नमस्कार। पाकिस्तान के देखिए इतने विवाद हैं कि पूछना नहीं, और हर दो महीने पर एक नया विवाद बाहर आ जाता है। अभी 370 सीमा विवाद चल ही रहा था, देखिए पाकिस्तान पानी पी पी कर कोस ही रहा था कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के नए नवीले पीएम शहबाज शरीफ पहले तो देखिए शपथ लेते ही भारत पर कश्मीर राग अलापा, और अब चेनाब नदी के विवाद को फिर से हवा दे दी। जी हाँ, पहले हम खबर की बात करें तो उससे पहले ये बताते चले कि भारत चेनाब पर अपनी विद्युत जरूरत और पानी के हिसाब से पुल बना रहा है और अपनी जरूरत पूरी भी कर रहा है। और इसी को लेकर देखें 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी, और किश्तवाड़ में देखे चेनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना, और उसी नदी पर 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। बस इसी बात से देखे पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं, और आनन फानन में पाक विदेश मंत्रालय ने विरोध दर्ज कराने के लिए भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया और विरोध दर्ज कराया। और विदेश मंत्रालय ने भी देखिए एक बयान जारी करी, कहा है कि भारत चेनाब पर गलत कर रहा है। भारत का चेनाब नदी पर बांध बनाना और विद्युत परियोजना लाना खतरनाक है, और इससे विवाद बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो भारत द्वारा डिजाइन रतेल पन बिजली संयंत्र के निर्माण पर देखिए पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है। जानकारी देते चले तो पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दो परियोजनाओं की आधारशिला रखने 1960 की सिंधु जल संधि के सीधे उल्लंघन के रूप में देखता है, और हमेशा ही कहता रहा है कि भारत IWT के नियमों का उल्लंघन करता रहा है। जबकि भारत ने देखिए हमेशा ये कहा है कि भारत जो कुछ भी कर रहा है वो अपने इलाके में कर रहा है और इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। भारत के देखिए हर मामले में टांग अड़ाना पाकिस्तान को अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान कर तो कुछ भी नहीं पाएगा लेकिन हल्ला तो करता ही रहता है वो, और यही काम वो कर भी रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताते चले कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 की सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिग्नेचर की, और इस संधि देखिए दोनों देशों में बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग से संबंधित है। लेकिन अब भारत जरूरत के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं और अब फिर पंगा ले रहा है। वैसे तो देखिए भारत ने पाकिस्तान के इस बौखलाहट पर कुछ कहा नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान भारत के मामले पर दखल क्यों दे रहा है।